ये गलत हो गया, ये गलत सीन हो गया गाइस। भाई गाय, ओ माय गॉड, माय गॉड, माय। हां जी क्या हो गया? ड्रैग रेस नहीं, नहीं फ्लाई बाय नहीं थी। सबसे पहले हमारे पास आ रखा है अभी रेट्रो 4, जैसे कि देख सकते हैं सारे के सारे न्यू कलर से अभी रीस्टॉक मैंने करे हैं ना। हल्का सा एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना भाई, ये बीड़ी मार रही है यार। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, दिस इज सोम शर्मा। स्वागत है आप सभी का आज के न्यू ब्लॉग में। सो भाई आज का ब्लॉग होने वाला है भाई बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी, क्योंकि भाई आज हम जाने वाले हैं कोटा के फेमस ब्रिज पे जिसका नाम है हैंगिंग ब्रिज। एंड भाई आज हम वहाँ पे करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली फ्लाई बाय, क्योंकि यार मुझे ना ये पता है कि बहुत टाइम हो गया, हमने भाई बहुत टाइम से फ्लाई बाय नहीं करी है एंड बहुत टाइम से ना आप लोगों ने भी फ्लाई बाय का साउंड नहीं सुना है। तो मैंने सोचा क्यों ना भाइयों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और अपन को भी मज़ा आ जाएगा। तो गाइस अभी हम वहीं जाने वाले हैं, साथ ही साथ आज के ब्लॉग में हम थोड़ी थोड़ी राइड भी करने वाले हैं, थोड़े थोड़े रिएक्शन भी लेने वाले हैं, साथ में भाई थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट भी आपको मिलने वाला है। सो गाइस ब्लॉग को जो एंड तक देखना है, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा। एंड गाइस आज हम राइड करने वाले हैं तुषार भाई के साथ में, एंड तुषार भाई जो है अपने शोरूम पर आ चुके हैं, सो हम भी फटाफट से निकल जाते हैं और शोरूम पे आपको मिलता हूं। गाइस जाने से पहले सामने हमारी खड़ी हुई ये कावासाकी ज़ेनोसो फ्लैश, जिसको मैं जस्ट अभी वॉश करवा के लाया हूं। एंड गाइस चेक करो क्या चमक रही है ना, मतलब हीरे की तरह। एक बार सीन चेक करो यार, क्या लगती है यार लिटरली। भाई बाइक किस चीज़ का ड्रीम बाइक है कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर से बता देना। बाकी इसमें लगा हुआ है ओरिजिनल एससी प्रोजेक्ट, एंड जिस जिसने इसका साउंड नहीं सुना है उसको मैं साउंड सुना देता हूँ कैसे इसका साउंड रहने वाला है। तो करते हैं इसको स्टार्ट। सो गाइस एक बार साउंड चेक करते हैं। गाइस बहुत ज्यादा लाउड है, कमेंट्स के अंदर बताना आपको साउंड कैसा लगा है। तो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर चुके हैं अपने शोरूम पे, एंड ये रहे तुषार भाई, मिलते हैं पहले भाई से, लेट्स गो। एंड गाइस जो जो लोग भाई वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जिनको नहीं पता कि आपके भाई का शोरूम भी है स्नीकर शोरूम, जैसे कि आप देख सकते हो कि गाइस ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास डिलीवरी होते हैं। कैसे हो तुषार भाई? जय श्री राम, क्या हाल चाल? रॉयल भाई के क्या हाल चाल? अरे भाई डेडिकेशन देख रहे हो काम के लिए, डेडिकेशन, ओ माय गॉड भाई ये, अरे भाई 50 तो लगे हैं, हाँ यही बात है भाई। सो गाइस ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा शोरूम, जैसा कि आप देख सकते हो मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, अभी लाइट्स ऑफ हो रखी हैं। ओके गाइस चेक करो एंड कैसा लग रहा है हमारा शोरूम, कॉमेंट्स के अंदर मेरे को ज़रूर से बता देना। यहाँ की भी लाइट्स ऑन करते हैं। ये है छोटा सा हमारा मंदिर। ओके गाइस जैसे कि आप हमें कलेक्शन दिखाता हूँ पहले मैं आपको, सबसे पहले हमें हमारे पास आ रखा है अभी रेट्रो 4, जैसे कि देख सकते हैं सारे के सारे न्यू कलर्स हैं अभी रीस्टॉक मैंने करे हैं, एंड ये हमारे बेस्ट सेलिंग आर्टिकल्स से, सबसे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाएंगे, ओनली 1500 के अंदर फ्री शिपिंग मैं दे दूंगा। वेबसाइट से इजीली आप ऑर्डर कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट का नाम है foothung.in। एंड आपको हमारे पास में स्पोर्ट्स शूज़ के साथ बहुत अच्छा कलेक्शन मिल जाता है, जॉर्डन्स के अंदर मिल जाता है, एंड जॉर्डन्स में 750 में क्या मिलेगा ये देखो आप, चेक करो ये क्वालिटी कोई दे पाएगा, एक बार ये क्वालिटी चेक करो आप, 750 में भाई ये क्वालिटी ऑल ओवर इंडिया में कोई दे नहीं सकता। बिकॉज भाई हम इतना सस्ते में क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम खुद से मैन्युफैक्चर कराते हैं, इसीलिए हम किसी माल वाल लेते नहीं हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ आ रखी है, चेक करो सांबा आ रखा है गाइस, क्वालिटी चेक करो आप एक बारी, प्रॉपर ब्रांडिंग मिलेगी सोल पे आपको, चेक कराता हूँ ये देखो आप, एडिडास की प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ में रहने वाला है, मात्र 1250 में फ्री शिपिंग आर्टिकल है विथ प्रॉपर ब्रांड बॉक्स। एंड ये रे गाइस हम गाइस आउटफिट चेक करो, आउटफिट कैसा लग रहा है भाई का आउटफिट, सेक्सी। ओके हाँ नहीं तो शर भाई चलें फिर, चलो लेट्स गो गाइस, चलते हैं अभी राइड पे एंड थोड़े बहुत रिएक्शन भी लेंगे। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हो तो वो भी हो जाती है। कैसे होती है, जस्ट आपको 200 रुपये एडवांस देने होते हैं, बाकी जो भी शूज़ का प्राइस होता है आपको घर पे आके देना होता है, तो आप चाहो तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर भी कर सकते हो। ठीक है रॉयल भाई मिलते हैं इसी के साथ, बाय ब्रो। ओके एंड भाई सामने हमारी खड़ी हुई है NS तुषार भाई की, जो कि बड़ी सेक्सी लग रही है। तुषार भाई मोटिवेशन नया नया कराया क्या? अभी कराया, अभी कराया, क्या करवाया जरा भाइयों को बता दो एक बार यार। इसमें ये नाम, अच्छा आपने रैपिंग वगैरह करवाई है, करवा रखी है, क्या बात है, नंबर प्लेट लगाई है, क्या बात है, क्या बात है, अरे सेक्सी डेंजर। हाँ वो भाई चेक करो गाइस, भाई ने श्लोक लिखवाया बड़ा सही सा, अच्छा लग रहा है। अच्छा पीछे की नंबर प्लेट चेंज करवा दी भाई, मैंने सुना है वैसे फैंसी नंबर प्लेट थोड़ा बैन है अपने लिए दिक्कत है कुछ, अपना सिस्टम है, अपना सिस्टम है। ओके गाइस चलते हैं, ठीक है निकलो भाई आ जाओ।
एंड हम आपको डायरेक्ट मिलते हैं ऑन द रूट। सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं तुषार भाई के साथ में। सो गाइस सबसे पहली बात तो ये है कि भाई जो जो लोग मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो मेक श्योर अपने भाई को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई जहाँ पे आपको मिलने वाला है मोटो ब्लॉगिंग का बहुत ही ज्यादा फाड़ू कॉन्टेंट जो कि आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिलेगा। तो भाई जाओ फटाफट अपने भाई को सब्सक्राइब करो। एंड गाइस अभी हमारे हो चुके हैं 800,000 सब्सक्राइबर्स भाई। 1 मिलियन में ना बस 200,000 बचे हुए हैं, तो भाई फटाफट से 200,000 और करवा दो, 1 मिलियन करवा दो फटाफट से, क्योंकि जैसे ही हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना भाई, हम अपनी जीनोसो फ्लैश को भाई ऐसा रैप करवाने वाले हैं, ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में 1 इन इंडिया होने वाला है और बहुत खतरनाक होने वाला है, ठीक है, मतलब ऐसा रैप शायद ही किसी ने किया होगा। तो भाई जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो। एंड आप प्लीज़ यार मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि भाई मुझे ना अपनी फ्लैश जीनोसो को भाई रैप करवाना है, तो मेक श्योर भाई सब्सक्राइब करो एंड 1 मिलियन करवा दो फटाफट से। एंड भाई दूसरी चीज़ ये है कि भाई जल्दी से जाओ कमेंट्स के अंदर ये बता दो आप मेरे ब्लॉग्स को कहाँ कहाँ से देखते हो, क्योंकि जब आप ये बोलते हो ना यार वहाँ से देख रहे हैं हम यहाँ से देख रहे हैं, तो भाई मेरे दिल को ना इतनी खुशी मिलती है मैं बता नहीं सकता लिटरली भाई। आप लोग मतलब मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ से देखते हैं। देखो मैंने कमेंट्स एक्चुअली मैं रीड करता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, सो आप में से बहुत सारे लोग देखते हैं भाई उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, एंड आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, भाई बहुत जगह है यार लिटरली भाई। तो भाई कमेंट्स में जाके मुझे फटाफट से ये बता दो आप कौन सी स्टेट और कौन सी सिटी से देख रहे हो मेरे ब्लॉग्स को, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी। तो जाओ फटाफट से जल्दी जाके बताओ। एंड भाई अभी आने वाली है दिवाली, ठीक है, तो दिवाली पे अगर आपको एक अच्छा सा क्यूट गर्ल रिएक्शन वीडियो चाहिए तो भाई वो भी कॉमेंट्स के अंदर मेरे को बता देना, तो भाई आपका भाई आपके लिए वीडियो लेके आ जाएगा। तुषार भाई एक खैचा मार दे, खैचा मार दे पक्की बात है भाई, बहुत दिन हो गए खेचे नहीं मारे यार। चलो फिर आ जाओ। ओ भाई भाई साहब भाई तहलका, भाई तहलका मचा देंगे भाई। वैसे ना मैं हाइपर राइडिंग नहीं करता हूँ, बट भाई अगर कभी कभी होता है ना यार एक मन करता है तो भाई कभी कभी कर लेते हैं। बाकी मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि हाइपर राइडिंग मत करना, ठीक है भाई। वैसे आप अगर मेरे रेगुलर ब्लॉग्स देखते हो ना आपको पता है मैं हमेशा जो मैक्सिमम स्पीड चलाता हूँ, मेरी स्पीड जो होती है हमेशा होती है 60 से 70 के बीच में, इससे ज़्यादा गाड़ी में खींचता ही नहीं हूँ भाई। और वो होता है ना कभी कभी मूड आ जाए और मूड बन जाए तो अलग बात है। तो गाइस अभी थोड़ा सा खींचा मारने वाले हैं, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होने दो, एक बार ट्रैफिक क्लियर हो जाए फिर भाई देखो पावर क्या होती है मैं दिखाता हूँ आपको। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं गाइस जीनोसो में पावर नहीं है भाई, दम नहीं है, तो भाई उन सभी को भी दिखाते हैं पावर क्या होती है। हाँ भाई क्या कह रहे थे भाई पावर नहीं है, है? हाँ भाई अब बोलो कौन कह रहा है। भाई पर एक बात है यार खेचे का भी ना अपना एक अलग ही फील है भाई, अलग ही लेवल है। हाँ भाई मजा आ गया भाई, हमारा भी ध्यान रखो आगे 25 वाले। अरे यार अरे यार रियली सॉरी भाई, रियली सॉरी। बट भाई मजा आया कि नहीं आया? मजा आ गया, आ गया ना बस भाई डन है। तुषार भाई नीचे लेना, नीचे नीचे। हाँ डन है भाई, सामने भाई कह रहा है एक बार यार एग्जॉस्ट देके दिखा दो, अब भाई बोलेगा आप बोलोगे तो मैं मना करूंगा क्या? ऑब्वियसली नहीं भाई। ओह शिट 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 गाइस शिट, ये गलत हो गया, ये गलत सीन हो गया गाइस भाई गाय। ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड, बच गए भाई बच गए। लो भाई एक रिएक्शन तो ले दिया आपके भाई ने आपके लिए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तुषार भाई आपने देखा क्या चल रहा है आगे? भाई हाय पूछा भाई कैसे भाई कोटा में कैसे आ गई? गाइस आप यकीन नहीं करोगे अभी जस्ट हमारे सामने से हाय पूछा निकल के गई है भाई। हाय पूछा थी ना भाई, क्या बात है भाई क्या बात है यार, आज मैंने भाई लाइव हाय पूछा देख लिया है। वो देखो आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा वैसे बहुत वाइड एंगल है, चलते खेचा मारते भाई साहब। गाइस आई कांट बिलीव ऑन माई आईज, ओ भाई ये रोड खराब है, शिट 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 भाई साहब, मतलब हमने गायब हाया भूसा देखी है भाई। भाई उसका हमने नंबर देखा, नंबर था DL, दिल्ली का नंबर है भाई, से पूछना पड़ेगा भाई दिल्ली से कोटा से, आओ खेचा मारते पूछते हैं। ओ भाई साहब
भाई को तो मैंने फ्लाई बाय दे दी गलती से यार, कंट्रोल ही नहीं हुई भाई। ओए भाई पीछे आ रहा है भाई, तो ओ भाई चेक करो भाई, क्या हो गया क्या हो गया? हाँ भाई पता नहीं बंदा क्या बोल रहा है। हाँ जी क्या हो गया? ड्रैग रेस? नहीं नहीं ड्रैग रेस नहीं करनी, मैं तो बस ऐसे निकल रहा हूँ। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं फ्लाई बाय नहीं थी, मैं नॉर्मल ही निकल रहा था। हाँ आपको करनी है क्या है? आपको करनी है तो एक बार यार। अच्छा हाँ। देखो वैसे ये इम्पॉसिबल है कि मैं जीतूंगा, बट अगर आप बोल रहे हो तो चैलेंज एक्सेप्टेड है। डन है ठीक है गाइस। हायाबुसा वर्सेस ज़ीनोसो का ड्रैग रेस होने वाला है। हालांकि यार मैंने इतनी तेज फ्लाई बाय नहीं दी थी, बहुत नॉर्मल थी, 130 या 140 की स्पीड ही थी, तो उसको फ्लाई बाय नहीं कह सकते अपन। बट बंदे का ईगो हर्ट हो गया मेरी वजह से, सो बंदा कह रहा है ड्रैग करो, मैंने कर लेंगे भाई, चैलेंज एक्सेप्टेड है भाई। पावर है भाई अपनी 0-100 में, हल्के में ले रहे लोग। भाई निकलो ना आगे भाई, क्या हो गया? ड्रैग करो ना भाई, क्या हो गया? बहुत ड्रैग ड्रैग कर रहे थे, आ जाओ ना गाइस। यही होता है बट गाइस आप भी जानते हो मेरा इंटेंशन फ्लाई बाय का नहीं था, मैं बस और अच्छा अच्छा तो ओहो पावर माननी चाहिए कभी जिंदगी में, सीधी बात है, कभी हार मत मानो ठीक है। भले ही सामने वाला आपसे ज्यादा ताकतवर हो पर हार नहीं माननी चाहिए। गाइस फाइनली आ चुका है हमारा हैंगिंग ब्रिज। लो भाई बंदे से रेस रेस के चक्कर में हैंगिंग ब्रिज आ चुका है यार, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई यार। व्यू चेक कर रहे हो, मतलब इसको कहते हैं प्रॉपर मोटो ब्लॉगिंग भाई। बाइक चल रही हो, बाइक का साउंड आ रहा हो, साथ में सामने व्यू आ रहा हो भाई, क्या बात है, मतलब उसको बोलते हैं यार प्रॉपर एक प्यारा वाला मोटो ब्लॉग। ये हमारे तुषार भाई राइडर अरे भाई सीन चेक करो भाई, सीन चेक करो यार भाई साहब। अब क्या हो गया भाई ने तो गाड़ी रोक ली, क्या हो गया भाई क्या हो गया? आप तो कह रहे थे ड्रैग रेस करनी है। हां तो ड्रैग रेस कर लो ना, इसलिए तो यहां पर आया पहले। अच्छा यहां से स्टार्टिंग करोगे? वहां पर ड्रैग रेस इसलिए नहीं किया पहले। हां 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 क्योंकि क्या है वहां पे फिर डिवाइडर वगैरह बीच में गाड़ी वगैरह और कोई हाँ, लोग भी आ जाए, मतलब लोग भी आ जाए वहां पे, इससे करना पड़ने वहां पे ड्रैग। यहां से करनी है ड्रैग रेस ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। हां हां जी यहां से स्टार्ट कर लो आप। क्या अपन यहाँ पे ड्रैग रेस अभी कर लेते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये बाइक को अपने आगे भेज दो। हाँ खड़ा रहेगा ठीक है भाई, आप फ्लाई बाय रिकॉर्ड कर लोगे? बिल्कुल बिल्कुल है ना, ठीक ठीक ठीक। आप आगे जाके ये लो मेरा फोन, आप इससे कर लेना ठीक है, ये लो आप आगे कट पे। हाँ तो भाई आप कोटा से ही लोकल हो या फिर आप बाहर से दिल्ली से हो? कोटा का ही मतलब लोकल। आप कोटा का लोकल हो? नहीं मैंने एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम हायाबुसा देखी कोटा में, तो इसलिए आपसे पूछा। करे डन है ओके 3-2-1 ठीक है डन। हाँ भाई 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 वो बहुत खराब रोड है, शिट भाई बच गया। ओ भाई साहब, भाई मुझे पता नहीं था यहाँ का रोड इतना खराब होगा। हाँ एक्चुअली मैंने ना इसलिए स्लो कर ली क्योंकि रोड बहुत खराब था। अच्छा। हाँ अदरवाइज तो आप जानते हो ठीक है, स्लो नहीं करता मैं, घुमा के करता पर वाला रोड सही है जैसी आपकी इच्छा हो ठीक है, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद था लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तो रोड सही था, पर अभी आप देख सकते हो इतने गड्ढे हैं, रोड तो बहुत ज्यादा है ना, पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गया बिल्कुल। देखो आपकी 1300 सीसी है, ये 900 सीसी है, तो फर्क तो कुछ होता है, फर्क तो होगा है ना, ऑफ कोर्स बात है, रेंज में भी है, इंजन में भी है, पावर हर चीज में है, होती है ठीक है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपसे आगे निकल पाऊँ है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लोकल ही हो? हाँ जी मैं भी लोकल हूँ। हाँ मैं यहाँ पे मोटर ब्लॉग्स में कोटा में ही बनाता हूँ सारे।
कोटा से? हाँ 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 कोटा में बनाता हूँ। बाकी आपसे मिलकर अच्छा लगा मेरे को बहुत। माई सेल्फ सोम, व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट्स योर गुड नेम? हाँ अनस। ओके 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 ओके। अपना सोम, सोम शर्मा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बढ़िया है बढ़िया है। देखता हूँ आपके वीडियो वगैरह, देखता हूँ एक बार। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चैनल चेक करिएगा। आपका भी चैनल है क्या? चैनल हाँ। आपका भी चैनल है? चैनल है। आप मोटो ब्लॉग्स कहाँ बनाते हो? कोटा में बनाते हो, बाहर बनाते हो? कोटा में ही। कोटा में बनाते हो ओनली? बनाता हूँ व्लॉग्स, मेरा भी अनस लाइफस्टाइल व्लॉग सर के चैनल है। हाँ 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 हाँ। इसमें मैं वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ। ओके ओके ओके। इनएक्टिव था मैं। हाँ हाँ हाँ। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। ओके। फिर अब थोड़ा सा मैं अब एक्टिव हो रहा हूँ वापस। हाँ हाँ। तो आप सिंगल ही राइड करने आए थे, कोई ऐसा ग्रुप नहीं है आपका? कोटा में बाइक ही कहाँ है? ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। कोई साथी तो मिले? हाँ ये रियलिटी है। अकेला बाइक लेके निकलता था। हाँ हाँ हाँ। बीच में बू 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 छोटी बाइक लेके उसे क्या मैं? हाँ नहीं सही बात है, सही बात है। चक्कर वाला हो साथ में राइड करने तब मजा आता है, तब मजा आता है। कि सुपर बाइक के साथ में सुपर बाइक चले तो अलग बात होती है। हाँ 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 ये बात तो है, क्योंकि मैं भी ना अकेले राइड करता हूँ, क्योंकि साथ में कोई है नहीं। हाँ नहीं ये सही बात है, मैं थोड़ी साइड लगा लेता हूँ, यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। नहीं नहीं बहुत बढ़िया। बाकी आप अगर आपका ग्रुप नहीं है तो अपन एक काम करते हैं ना, आपसे साथ में राइड कर लेंगे, है ना? क्योंकि देखो आप भी सोलो राइडर हो, मैं भी सोलो राइडर हूँ, है ना? तो वो बेटर रहेगा, राइट? हाँ आपसे। हाँ जी हाँ जी बहुत सही रहेगा। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ। बिल्कुल चला के चेक करो कि कोई कमी तो नहीं है बाइक में एक बारी, है ना? बिकॉज एक सपना होता है चलाने का। हाँ जी पूरा करो भाई। तो गाइस अभी हम चलाने वाले हैं हायाबुसा, एक बारी चेक करो भाई, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार। भाई यार लिटरली कैसी लग रही है आपको? ओह माय गॉड, कौन सा एग्जॉस्ट है इसके अंदर? एग्जॉस्ट कौन सा है इसके अंदर? है रेस फिट का एग्जॉस्ट। ओके लाउड है, लाउड है। हाँ हाँ लाउड है, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ओह माय गॉड गाइस, भाई कितनी वाइड है यार, कितनी वाइड है चेक कर रहे हो गाइस। फाइनली भाई हम पहली बार हायाबुसा पे राइड कर रहे हैं, भाई क्या बताऊँ कैसी फीलिंग आ रही है ना अभी। ओ शाही साहब भाई क्या भयंकर चीज है भाई वो तेरी, ओ भाई अरे भाई साहब भाई तो फीलिंग ले रही है। अरे भाई गाइस आप यकीन नहीं करोगे, मैं इसको ना हल्का सा एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना भाई, ये व्हीली मार रही है यार भाई, क्या चीज है। अरे भाई चेक कर रहे हो हमारी जीनों सब, अभी साउंड क्या लग रहा है ना यार, जैसे अगर मेरे कोई बगल से निकलेगा तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कोई कैसा महसूस करता होगा भाई। साउंड बहुत तगड़ा है अपनी बाइक का भी यार। यार पर एक बात है कि हायाबुसा एक तो भारी बहुत है और दूसरी बात है कि भाई ये चौड़ी बहुत है, मतलब ट्रैफिक में तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मैं आपको बता सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं चला रहा हूँ तो मेरे को प्रॉपर फीलिंग आ रही है कि भाई कैसा क्या रहता होगा। भाई थोड़ा खींचा मार दे क्या? एक तो यार थोड़ा अंधेरा हो गया है, दिख भी कम रहा है मेरे को। तुषार भाई कैसी लग रही है उषा? है दम है। मैं पूछा भाई से, मैंने हाय उषा कैसी लग रही है? आपको कैसा लगा चला के? बहुत अच्छी चल रही है भाई। अच्छी चल रही है, कोई कमी वगैरह? बहुत स्मूथ। डन है, स्मूथ है, एकदम स्मूथ। क्या बात है। हाँ जी निकल रहे हो फिर आप? हाँ तो फिर मैं निकलता हूँ। हाँ हाँ बहुत बढ़िया लगी और आपसे मिलकर और भी अच्छा लगा मेरे को, ठीक है? और कॉन्टेक्ट शेयर कर लेते हैं अपन, राइट? हाँ मैं राइट डाउन कर लेता हूँ, वेट करो आप। बाकी मेरी आपसे एक ख्वाहिश है, ठीक है? इच्छा है मेरे को जीनोसो पे, कभी मैंने व्हीली नहीं करी, मेरे को व्हीली आती भी नहीं है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ी सी एक व्हीली मार दो हायाबुसा से तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, है ना? क्योंकि भाई हमारी ऑडियंस क्या मेरी बहुत बोलती है कि भाई व्हीली करो व्हीली करो, अब मुझे आती नहीं है, तो मैंने कहा आप करके दिखा दोगे तो अच्छा लगे हमारी ऑडियंस को। डन है, चलो कर दो आप। थैंक यू सो मच। तो गाइस भाई करने वाले हैं यहाँ पे व्हीली। भाई चेक करो भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब बैंगर भाई बैंगर, मजा आ गया भाई, दिन बन गया भाई, दिन बन गया। वन मोर, ओ भाई सीन चेक करो यार, एक बारी भाई आज तो दिन बन गया भाई, मजा आ गया। डन है भाई, डन है, एक नंबर है, डन है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार।
थैंक यू भाई, मिलते हैं भाई। ओके भाई के साथ में भाई बड़ा मजा आया यार, कुछ भी कहो भाई। फाइनली भाई हमें एक साथ वाला बंदा मिल चुका है, अब हम भी अपना ग्रुप बना सकते हैं, वो भी सुपर बाइक वाला। और भाई अब ना भाई आपको कंटेंट मिलने वाला है बहुत डेंजरस खतरनाक भाई, मतलब भाई सीन चेक करो, मजा आने वाला है बहुत प्यारा वाला। तो भाई फटाफट से जाओ सब्सक्राइब कर दो भाई अपने भाई को। इसी के साथ भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। क्या बोलते हो, एक तो खैचे मारने की बात कर रहे हो ऐसा? चलो यार आप बोल रहे हो तो एक तो खैचे तो मार देता हूँ, क्या करूँ आपके लिए भाई कुछ भी है।